हेलो एवरीवन, आई आकाश गौर। वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। फिर से आप लोग के नया टॉपिक लेकर आऊँ। हार्ट से रिलेटेड सारे एमसीक्यू डिस्कस करूंगा। बहुत सारे एमसीक्यू लिए, इससे बाहर एमसीक्यू हार्ट में से नहीं जाएंगे। चाहे आप मेडिकल से हो, नॉन मेडिकल हो, चाहे आप किसी भी मेडिकल एग्जाम की, नॉन मेडिकल एग्जाम की, साइंस वाला पोर्शन पूरा इसमें कवर हो जाएगा। जरूरी नहीं यार, आप लोग आपके नॉलेज बढ़ाने के लिए भी मेडिकल की चीज़ें पढ़ सकते हो। आप लोग नॉलेज बढ़ाने के लिए की भी एमसीक्यू पढ़ सकते हो। आपका ब्रेन काम करेगा, न्यूरॉन्स काम करेंगे आपका दिमाग गाने से। या देखो, हम लोग सिंपली गेम जैसा खेलेंगे। इसमें मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे जवाब दोगे, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। हार्ट से रिलेटेड या ब्लड से रिलेटेड ही एमसीक्यू होने वाले। देखो, द स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड, बोलना चाहता है हृदय के अध्ययन को क्या कहा जाता है। जल्दी जल्दी गेस करके बताओ, हार्ट के अध्ययन को यानी कि हृदय के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। जल्दी जल्दी, ए है आपका कार्डियोलॉजी, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी या ऑल। जल्दी जल्दी बताइए, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। हार्ट के स्टडी को क्या कहते हैं? मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा गाइस, पूरी चीज़ें सी क्लियर होगी डायग्राम से। तो इसका राइट आंसर है गलत, इसका राइट आंसर है आपका कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम लोग सिंपली स्टडी करते हैं। हार्ट की बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोग कार्डियोलॉजी। नेक्स्ट पे बढ़ता हूँ, एमसीक्यू नंबर टू। नॉर्मल वेट ऑफ ह्यूमन हार्ट, मनुष्य का हृदय का वजन कितना होता है? जल्दी जल्दी बताओ गाइस, कितना वजन होता है एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय में? कितना वजन होता है? 1 kg, 1400 ग्राम, 10 ग्राम या 300 ग्राम? जल्दी जल्दी गाइस गेस करके बताओ। जल्दी गाइस, इसका राइट आंसर है 10 ग्राम नहीं है, 1 kg भी नहीं है, 1400 ग्राम भी नहीं है, 300 ग्राम। ठीक है, 300 ग्राम इसका राइट आंसर है। और याद रखना, 1400 ग्राम हमारे एक मनुष्य के ब्रेन का वजन होता है। तो इम्पोर्टेंट, 1400 ग्राम याद रखना ब्रेन का मनुष्य का। और इसका जो हार्ट का नॉर्मल वेट होता है 300 ग्राम होता है, ये भी इसको याद रखना आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका आंसर कौन कौन सही देगा। आउटर मेम्ब्रेन, आउटर लेयर ऑफ हार्ट इज कॉल्ड, हृदय की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? राइट आंसर देना गाइस, हार्ट के जो सबसे ऊपरी लेयर होती है इसको छुपा दो, इसको नहीं देखना है, इसको बाद में समझाऊंगा। ये बताओ इसका आंसर मुझे, हार्ट के जो सबसे ऊपरी लेयर है क्या बोलेंगे? एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम या म्यूकस लेयर? जल्दी जल्दी बताओ, या एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम या म्यूकस? जल्दी, सबसे ऊपर वाली लेयर की बात हो रही है यहाँ पे, आउटर मोस्ट लेयर, सबसे ऊपर वाली लेयर को गाइस क्या बोलते हैं? जल्दी से देखो डायग्राम, सबसे ऊपर वाली लेयर होती है पेरिकार्डियम, उसके बाद विसरल कार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। एंडो सबसे अंदर होती है, तो राइट आंसर है इसका पेरिकार्डियम। सी इज अ राइट आंसर है, तीसरे का सी राइट है, पेरिकार्डियम, क्योंकि पेरिकार्डियम सबसे ऊपरी लेयर होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ता हूँ। Which of the gland maintain a blood pressure? कौन सी ग्रंथि रक्तदाब को नियंत्रित रखती है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ गाइज, के एड्रिनल ग्लैंड राइट है, पिट्यूटरी ग्लैंड है या ए या बी? एड्रिनल और पिट्यूटरी दोनों करती है या नॉन? जल्दी से मुझे आंसर देके बताओ, एड्रिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड या ए और बी? गाइज जल्दी जल्दी आंसर, मैं सबके आंसर पढ़ रहा हूँ, जल्दी आंसर दो मुझे। यार इसका राइट आंसर होगा एड्रेनल ग्लैंड, जो कि हमारे किडनी के ऊपर होती है। ये क्या करती है, बॉडी में हर एक जो सडनली एक्टिविटी होती है ना उसको मेंटेन करती है। अगर ब्लड प्रेशर एकदम बढ़ेगा तो एड्रेनल ग्लैंड एड्रेनलिन हार्मोन्स को रिलीज करती है, एड्रेनल ग्लैंड एड्रेनलिन हार्मोन्स को रिलीज करती है, जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने में मदद करता है। तो याद रखना राइट आंसर है एड्रेनल ग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर? याद रखना ये रहा, इसको क्या बोलते हैं, ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, स्फाइग्नोमैनोमीटर, रक्तचापी या MRI या CT स्कैन? इसको किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से आप लोग मुझे आंसर देके बताओ कि इसको क्या बोलते हैं, ECG या फिर स्फाइग्नोमैनोमीटर या MRI या CT स्कैन, जो ब्लड प्रेशर को नापा जाता है। इसका राइट आंसर है ECG नहीं है, इसका राइट आंसर बी है, स्फाइग्नोमैनोमीटर। ये इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम लोग ब्लड प्रेशर को मापते हैं। इसका राइट आंसर है गाइस बी। नेक्स्ट,
नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर, शरीर का सामान्य रक्त दाब कितना होता है? 120 अपॉन 80 mmHg या 120 अपॉन 50 mmHg, 120 अपॉन 120 mmHg या 70 अपॉन 150 mmHg। देखो Hg जो होती है ना, Hg सिंपली होती है पारे की यूनिट होती है, ठीक है? तो याद रखना Hg मर्क्यूरी का है, ठीक है? mmHg राइट आंसर। जल्दी गाइस कमेंट करो फटाफट, ये कमेंट करो आप लोग, सब लोगों का मैं आंसर पढ़ूंगा उसके बाद आप लोग को रिप्लाई करूंगा। 6 वाले का राइट आंसर है ए, 120 80 mmHg। याद रखना 120 130 तक भी नॉर्मल माना जाता है, 130 तक भी नॉर्मल आता है, बट जो वैल्यू है वो वैल्यू है 120 80 mmHg इज़ अ राइट ब्लड प्रेशर, जिससे हम लोग नॉर्मल रक्त का दाब होता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ। 7 क्वेश्चन, विच हॉर्मोन्स मेंटेन अ ब्लड प्रेशर? अभी बात थोड़ी देर पहले ही बात करी थी मैंने, हृदय का रक्तदाब कौन सा हॉर्मोन्स नियंत्रित रखता है? एड्रेनलिन, प्रोजेस्ट्रोन, एस्ट्रोजन और ऑक्सीटोसिन। जल्दी जल्दी, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोन या एड्रेनलिन? सबको पता है भाई एड्रेनलिन हॉर्मोन्स इज अ राइट आंसर ए वाला, क्योंकि एड्रेनल ग्लैंड से अभी मैंने बता चुका हूं, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which type of instrument used for the measuring activity of heart? क्वेश्चन को समझना, ये बोलना चाहता है हृदय की गतिविधि को, एक्टिविटी को देखना है मुझे। ECG यूज करूंगा, स्फेग्नोमैनोमीटर यूज करूंगा, MRI या CT स्कैन, मुझे हार्ट की एक्टिविटी को मेजर करना है। इसके लिए राइट आंसर होगा ए, ECG। ECG का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है? तो हम लोग इसमें सिंपली हार्ट की जो एक्टिविटी है ना, ऐसे नोड एवी नोड से जो कंडक्टिव सिस्टम होता है, एक्टिविटी होती है, वो चीज़ें हम लोग ECG के थ्रू पता करते हैं। तो राइट आंसर गाइज ECG ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज कॉल्ड, किसे हम हार्ट का पेसमेकर कहते हैं, ठीक है? हृदय का पेसमेकर किसे कहा जाता है? SA नोड, AV नोड, SS नोड या SV नोड? राइट आंसर जल्दी बताओ मुझे, हृदय में ऐसे नोड किसे कहा जाता है, जिसे हम लोग हार्ट का पेसमेकर भी कहते हैं? जल्दी गाइस, राइट आंसर होगा आपका SA नोड। ए इज अ राइट आंसर, जो कि हमारे हार्ट में यहाँ पे लोकेटेड होता है SA नोड। SA नोड हमारे जो हार्ट का है ना पेसमेकर भी कहा जाता है, ये खराब हो जाता है हम लोग इसको रिप्लेस भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीज लेवल ऑफ ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड, रक्त का जो कि हृदय का दाब जब बढ़ जाता है, रक्त का दाब, तब उसे क्या कहा जाता है? हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, एनीमिया या फिर पेरिकार्डियम? जल्दी जल्दी मुझे आंसर बताओ कि यदि आपका ब्लड प्रेशर का बढ़ गया है तो उसे हाइपोटेंशन या हाइपोटेंशन या एनीमिया या पेरिकार्डियम? राइट आंसर है गाइस इसका हाइपरटेंशन बी, क्योंकि लेवल बोल रहा है ब्लड प्रेशर का जो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, उसमें क्या होता है हाई ब्लड प्रेशर में हमें फटिगनेस, डिजीनेस, इरेगुलर वोमिटिंग, नोजिया, फटिग, ये सारी चीज़ें हम लोग हो सकती है हाई BP में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ मैं, इंक्रीज लेवल ऑफ हार्ट बीट। अब देखो समझना, मैंने पहले ब्लड प्रेशर की बात करी थी, अब मैं हार्ट रेट यानी कि जो धड़कन है लबडप की, जो 75 बार आपका हार्ट जो धड़कन करता है उसकी यदि बढ़ जाए, 100 हो जाए, तो क्या कहते हैं? हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, एनीमिया या टेकीकार्डिया? जल्दी जल्दी इसका आंसर बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। हाइपोटेंशन कहते हैं या हाइपरटेंशन कहते हैं या एनेमिया कहते हैं या टेकीकार्डिया कहते हैं? देखो इसका राइट आंसर होता है गाइस टेकीकार्डिया। टेकीकार्डिया कब कहते हैं? जब आपकी जो हार्ट है ना, हार्ट रेट अगर ज़्यादा बढ़ जाएगी तो टेकीकार्डिया कहते हैं। और हाइपोटेंशन मतलब BP कम हो जाता है, हाइपरटेंशन BP ज़्यादा हो जाता है, एनीमिया मतलब रक्त की कमी हो जाती है, और टेकीकार्डिया, टेकीकार्डिया का मतलब होता है गाइस जो आपका ब्लड का जो हार्ट रेट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। देखो यहाँ पे बहुत सारे सिम्टम्स आपको दिखाई दे सकते हैं जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है? टेकीकार्डिया इज द राइट आंसर। 12 डिक्रीज लेवल ऑफ हार्ट बीट। अब देखो पहले बोला था जब हार्ट रेट बढ़ेगी तो टेकीकार्डिया कहेंगे, पर यदि आपके हार्ट रेट डाउन हो गई तो आप क्या कहोगे, ठीक है? हाइपरटेंशन, एनीमिया या टेकीकार्डिया या ब्रेडिकार्डिया? ब्रेडकार्डिया
जल्दी जल्दी आंसर जवाब दीजिए मुझे। देखो राइट आंसर तो इसका ए होता है गाइस, ब्रेडीकार्डिया। ब्रेडीकार्डिया का मतलब होता है आपकी जो हार्ट रेट है, जो कि धड़कन है वो कम हो जाती है, तो उसे ब्रेडीकार्डिया के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर है गाइस ब्रेडीकार्डिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ता हूँ मैं, 13। ड्यूरिंग द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ हार्ट इंक्रीज द ब्लड प्रेशर ऑफ ब्लड इट इज कॉल्ड। बोलना चाहता है जब हृदय संकुचित होता है तब रक्त का दाब बढ़ जाता है, उसे क्या कहते हैं। ठीक है, देखो जब आपका ब्लड जो हार्ट है ना पंप करेगा, एकदम जैसे ही पंप करेगा तो ब्लड का प्रेशर एकदम बढ़ेगा, फिर नॉर्मल, फिर बढ़ेगा, फिर नॉर्मल। तो जो बढ़ेगा उसे आप सिस्टोलिक कहोगे, डायस्टोलिक कहोगे, या कार्डियक प्रेशर कहोगे, या हीट, या फिर सॉरी हार्ट अटैक कहोगे। ठीक है, या हार्ट अटैक कहोगे, जल्दी से बताओ सिस्टोलिक, डायस्टोलिक, या कार्डियक प्रेशर क्या कहोगे। यदि आपका हार्ट जब पंप करेगा तो बीपी बढ़ जाएगा आपका, तो ऊपर वाले बीपी को क्या कहा जाता है। राइट आंसर है गाइस सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है ना तो ब्लड का जो पंप बढ़ जाता है उसे हम लोग सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो राइट आंसर है गाइस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ मैं, ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। देखो पहले आपके हार्ट ने पंप किया था, अभी वापस रिलैक्स हो गया। जब रिलैक्स होगा, ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट डिक्रीज प्रेशर, बीपी का जो ब्लड प्रेशर कम हो जाए। जब हृदय की शीतलन की होता है तब रक्त का दाब कम हो जाता है। जब आपका बीपी कम होगा तो उसे क्या बोलोगे आप, उसको कहते हैं गाइस डायस्टोलिक बीपी। सिस्टोलिक मतलब हाई, डायस्टोलिक मतलब कम। डायस्टोलिक 80, सिस्टोलिक 120, याद रखना। और कार्डियक प्रेशर तो पता ही है, और हार्ट अटैक तो होता ही नहीं गाइस। तो राइट आंसर इसका डायस्टोलिक। जब बीपी कम होता है तब इसको डायस्टोलिक, सॉरी बीपी कम नहीं होता है, जब बीपी जो डाउन वाला बीपी रहता है उसे डायस्टोलिक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ता हूं, विच इज कॉल्ड, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है गाइस, इसको बहुत अच्छे से समझना। विच इज कॉल्ड आर्टिफिशियल हार्ट, कृत्रिम हृदय किसे कहा जाता है। अब देखता हूँ कौन कौन इंटेलिजेंट है गाइड, जल्दी जल्दी मुझे रिप्लाई करो, जल्दी जल्दी कमेंट्स करके बताओ कृत्रिम हृदय किसे कहा जाता है। जार्विक 7, एस ए नोड, एवी नोड, या आईवी नोड। जिसने मार्वल की एंड गेम एवेंजर देखी होगी तो उसको पता होगा कि क्या होता है। वहाँ पे एक नाम जरूर आया था टोनी स्टार्क को, अगर आपने देखा हो तो, एवेंजर, आयरन मैन, द आयरन मैन, उसका फेवरेट साथी जार्वेस। सुना नहीं जार्वेस, जल्दी बताओ मुझे क्या हो रहा है यहाँ पे। वही जार्वेस, तो उसके नाम पे रखा गया है। जो आर्टिफिशियल जो हार्ट होता है गाइस, जिस टाइप का कुछ हार्ट होता है हमारा, आर्टिफिशियल हार्ट को जार्वेस 7 के नाम से उसको नाम दिया गया है। तो गाइस राइट आंसर है जार्वेस 7। ये बहुत बार SSC रेलवे की बहुत सारी कॉम्पिटिशन एग्जामों में पूछा गया है, याद रखना जार्वेस 7 को आर्टिफिशियल हार्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट बढ़ता हूँ, विच इज सेंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ बॉडी। बोलना चाहता है हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के सभी अंगों तक कौन पहुंचाता है, ब्लड को। याद रखना, मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ वो समझो। मेरे हार्ट से ब्लड को लेकर शरीर के सभी अंगों तक, हृदय से शरीर तक ब्लड कौन लेकर जाता है, कैपिलरी, आर्टरी, वेन, या न्यूरॉन्स। तीनों में से राइट आंसर बताओ गाइस, कैपिलरी, आर्टरी, वेन्स, या न्यूरॉन्स। तो राइट आंसर है गाइस आर्टरी। याद रखना, हमारे हृदय से ब्लड लेकर जो जाएगा वो आर्टरी, शुद्ध रक्त को, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। और हमारे शरीर से वापस हृदय तक ब्लड कौन लाता है, वेन लेकर आती है। तो इसका तो राइट आंसर गाइस आर्टरी है। नेक्स्ट, विच इज सेंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी टू हार्ट। सेम क्वेश्चन है गाइस, जो भी रिपीट किया था मैंने, अशुद्ध रक्त को शरीर से हृदय तक वेन लेकर आती है। सी इज अ राइट आंसर, अभी ऑलरेडी डिस्कस किया था। कैपिलरी जो होती है हमारी, कैपिलरी का काम कुछ नहीं है, न्यूरॉन्स का काम भी नहीं है। आर्टरी हमारे हृदय से ब्लड लेकर जाएगी, वेन वापस से लेकर आती है। तो राइट आंसर इज अ वेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूँ, विच ऑफ दी आर्टरी कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझो समझो गाइस, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है, वह कौन से धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त पाया जाता है। इजी क्वेश्चन है, बट कभी कभी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो यार राइट आंसर क्या है जल्दी बताओ, पल्मोनरी आर्टरी,
सुपीरियर वीना कावा, इन्फीरियर वीना कावा या नॉन ऑफ दिस? जल्दी से मुझे बताओ कि ऐसे शरीर, देखो आर्टरी के अंदर सबको पता है शुद्ध रक्त पाया जाता है, पर शरीर में एकमात्र ऐसी आर्टरी होती है जिसमें अशुद्ध रक्त होता है, जिसे पल्मोनरी धमनी या पल्मोनरी आर्टरी के नाम से जानते। ए इज़ अ राइट आंसर गाइज, ए सही आंसर है, पल्मोनरी आर्टरी में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ, विच ऑफ द आर्टरी सेंड ऑक्सीजनेटेड, विच ऑफ द आर्टरी सेंड अ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, वह कौन सी धमनी है जो रक्त को फेफड़ों तक लेकर आती है, हमारे हृदय से फेफड़ों तक? पल्मोनरी आर्टरी लेकर आएगी, सुपीरियर वीना कावा, इन्फीरियर वीना कावा या नॉन ऑफ दिस? तो राइट आंसर है गाइस पल्मोनरी आर्टरी, ये वाली जो आर्टरी है ना आपकी, ये आपके इधर और इधर, ये वाली, ये राइट और ये लेफ्ट, तो ये इधर वाली लंग्स तक ले जाएगी इधर, तो राइट आंसर गाइस इसमें है पल्मोनरी आर्टरी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द वीन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है गाइस ये, वह कौन सी शिरा होती है जिसमें शुद्ध रक्त पाया जाता है? देखो हम लोगों ने सबने पढ़ा है कि शुद्ध जो वेन्स होती है, वेन में कभी भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता है, डीऑक्सीजनेटेड, पर शरीर में फिर भी एक ऐसी वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, कौन सी है? पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, इन्फीरियर वीना कावा, सुपीरियर, सॉरी नॉन ऑफ दिस। तो राइट आंसर है गाइस इसमें पल्मोनरी वीन, पल्मोनरी आर्टरी तो होती है पर वेन भी होती है, ये वाली डायग्राम में देखो, ये रही पल्मोनरी वीन जो कि आपके फेफड़ों से हृदय तक वापस से ब्लड को लेकर आती है शुद्ध रक्त को, एकमात्र सी धमनी, एकमात्र सी वेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूँ, बॉम्बे ब्लड ग्रुप इज ऑल्सो कॉल्ड, बॉम्बे ब्लड ग्रुप को और किस नाम से जाना जाता है? देखता हूँ कितने लोग इंटेलिजेंट है, जल्दी मुझे कमेंट्स करके बताओ। ए बी ओ एच रक्त समूह, एच रक्त समूह या ए बी, जल्दी बताओ, ये थोड़ा सा सिंग हो गया, गलत है, ठीक है, ओ एच रक्त समूह है वो, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, ये ए बी ओ एच या एच एच या बी सी, बॉम्बे ब्लड ग्रुप को किस नाम से? तो गाइज इसका राइट आंसर बी और सी है, ओ एच और एच एच के नाम से आपका बॉम्बे ब्लड ग्रुप जाना जाता है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप का टाइप। तो राइट आंसर है गाइज इसका डी, यानी कि ओ एच भी कहते हैं, एच एच भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ता हूँ मैं, देखो इंक्रीज लेवल ऑफ आरबीसी कोल्ड, जब आरबीसी की संख्या अधिकतम हो जाती है तो क्या कहते हैं, पॉलीसाइथेमिया, एनेमिया, ल्यूकेमिया या एरिथ्रोसाइट? राइट आंसर जल्दी बताओ गाइज मुझे, मेरे शरीर में आरबीसी बढ़ गई तो उसे कहते हैं पॉलीसाइथेमिया, एनीमिया मतलब आरबीसी कम हो गई, पॉलीसाइथेमिया मतलब आरबीसी बढ़ गई, ल्यूकेमिया मतलब, ल्यूकेमिया क्या होता है जल्दी मुझे कमेंट करके बताओ आप, ल्यूकेमिया क्या होता है? एरिथ्रोसाइट तो सबको पता है आरबीसी, ल्यूकेमिया का जल्दी जल्दी मुझे टाइप कमेंट्स करके बताओ, मैं सबके कमेंट्स पढ़ूंगा गाइस, ल्यूकेमिया का क्या मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मैं, डिक्रीज लेवल ऑफ डब्ल्यूबीसी स्कोर्ड, सब डब्ल्यूबीसी की संख्या में कमी हो जाना, ल्यूकेमिया, एनेमिया और ल्यूकेमिया, सॉरी ल्यूकोपीनिया, एनेमिया, ल्यूकेमिया या एरिथ्रोसाइट, ठीक है जल्दी आंसर बताओ मुझे गाइस। देखो राइट आंसर मैं बता देता हूँ, ए ल्यूकोपीनिया, पीनिया का मतलब डब्ल्यूबीसी कम हो गई, देखो ये नॉर्मल है, ये सॉरी ये नॉर्मल है, ये डब्ल्यूबीसी देखो ये बहुत सारी है, ये नॉर्मल कंडीशन में ल्यूकोसाइट है, बट ल्यूकोपीनिया मतलब डब्ल्यूबीसी यानी कि हमारी वाइट ब्लड सेल्स की कमी हो जाना, श्वेत रक्त कणिकाओं की कमी, ल्यूको पीनिया कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ, द स्टडी ऑफ आर्टरी एंड वेन्स इज कॉल्ड, इसका आंसर दो आप लोग, मैं सबका वेट करूंगा, धमनी और शिरा के अध्ययन को क्या कहते हैं, हिमेटोलॉजी, कार्डियोलॉजी, फिजियोलॉजी या एंजियोलॉजी? जल्दी जल्दी आंसर दो मुझे गाइस, देखता हूँ कौन कौन राइट आंसर दे पाता है। द आर्टरी और वेन्स की स्टडी को क्या कहते हैं, हमारे आर्टरी और वेन्स की स्टडी को क्या कहते हैं, एंजियोलॉजी, फिजियोलॉजी, कार्डियोलॉजी या हीमेटोलॉजी? तो गाइज राइट आंसर है इसका एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी जो होती है, एंजियोलॉजी के अंदर जो हार्टरी और वेंस का अध्ययन किया जाता है, तो राइट आंसर है गाइज डी, एंजियोलॉजी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ता हूँ मैं, हु इज फादर ऑफ एंजियोलॉजी, बोलना चाहता है एंजियोलॉजी के जनक कौन है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया, न्यूटन है, अल्बर्ट आइंस्टीन मेरे जो कि फेवरेट है, रॉबर्ट कोच
या विलियम हार्वे? राइट आंसर जल्दी बताओ, न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, रॉबर्ट कोच या विलियम हार्वे? देखो इनको पहचान लो, ये रहा फोटो, पहचान के बता दो कौन है मुझे। तो इसका गाइस राइट आंसर है रॉबर्ट कोच, गलत है। इसका राइट विलियम हार्वे। विलियम हार्वे जो है एंजियोलॉजी की जिन्होंने खोज करी थी, ये साइंटिस्ट थे, रिस्पेक्टेड पुरुष है ये हमारी नज़रों में, जिनने एंजियोलॉजी की खोज की, और एंजियोलॉजी से हम लोग ने हार्ट से रिलेटेड बहुत सारे डिसीज के बारे में अध्ययन किया है। तो गाइस राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूँ, हाउ मच वॉल प्रेजेंट इन हार्ट? देखो सबको पता है चेंबर चार होते हैं, पर हृदय में दरवाजे कितने होते हैं ये मुझे बताओ, चार, पाँच, आठ या नौ? जल्दी से गाइज मुझे कमेंट करके बताओ। फोर, फाइव, एट या नाइन? राइट आंसर क्या हो सकता है गाइज, जल्दी मुझे बताओ। देखो मैं बता देता हूँ सिंपली आपको, एक होता है आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व, एक होता है आपका बाइकस्पिड वॉल्व, एक होता है पल्मोनरी वॉल्व और एक होता है आयोटिक। तो टोटल जो आपके वॉल्व हुए वन, टू, थ्री और फोर। तो राइट आंसर गाइज इसका क्या हो सकता है, फोर। फोर इज अ राइट आंसर, जो कि हार्ट में फोर आपके कपार्ट होते हैं जिन्हें कपार्ट कहते हैं हम लोग, ठीक है। वन, टू, थ्री, फोर, ठीक है। तो राइट आंसर आपका फोर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं, इंपॉर्टेंट है ये, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपका हार्ट के बारे में लास्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट इसका जवाब अगर आप दे सको तो जरूर बताना। व्हेन फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांटेशन डन, सबसे पहला हृदय प्रत्यारोपण कब किया गया था? ये रियल इमेज है गाइस, जो आपको दिख रही है मैंने निकाल के इसको गूगल से सर्च किया। ये फर्स्ट जब पहली बार संसार में हृदय का प्रत्यारोपण किया गया था उसकी, 10 दिसंबर 1990 को, 3 दिसंबर 1967 को, 12 मार्च 2000 या नॉन ऑफ दिस? इनमें से कौन सा राइट आंसर है? तो गाइज राइट आंसर मैं बता देता हूँ, 3 दिसंबर 1967 को हृदय सबसे पहली बार हृदय को प्रत्यारोपण किया गया है। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ गाइज, विश्व का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण 3 दिसंबर 1967 दक्षिण अफ्रीका के कैप टाउन शहर में क्रिस्टियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। पूरी दुनिया में हर साल 3,500 हृदय प्रत्यारोपण होते और करीब 8 लाख लोग हैं जो दिल के चतुर्थ श्रेणी के दोष से पीड़ित है और उन्हें नए अंग की ज़रूरत है, ठीक है। 8 लाख लोग से भी ज़्यादा हार्ट से रिलेटेड डिसीज है जिन्हें हार्ट नहीं मिल पाता। ये बता देता हूँ गाइज क्या हुआ था, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन कैसे हुआ था, क्या हुआ था। एक बुजुर्ग आदमी था जो ऑलरेडी हॉस्पिटल में एडमिट था, लास्ट उसके हार्ट के स्टेज चल रही थी, वो ख़त्म होने वाला था। एक लेडीज़ का एक्सीडेंट हुआ था सडनली, उस एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई थी। तो उस लेडीज़ से हार्ट निकालकर उस जो पुरुष था उसके अंदर डाला गया था। फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुल रहा था, ये रियल इमेज गाइज। ये जो डॉक्टर थी, फीमेल डॉक्टर थी, इन्होंने सबसे पहले, इनका नाम क्या था गाइज, मैंने लिखा हुआ है ऊपर, इनका नाम था क्रिस्टियाना बर्नार्डे। ये सबसे पहले डॉक्टर थी, इन्होंने सबसे पहले हार्ट को ट्रांसप्लांट किया था गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, इन वन मिनट हाउ मच ब्लड पंप बाय हार्ट, बोलना चाहता है एक मिनट में हमारा हृदय कितनी बार पंप, कितना ब्लड पंप करता है? 1 लीटर, 1 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर या एंड्स? इसमें बहुत घुमावदार क्वेश्चन है गाइस, बहुत अच्छे से पढ़ना है क्वेश्चन। 1 लीटर, 1 मिलीलीटर, 1,000 मिलीलीटर या ए एंड सी, कितना हार्ट पंप करता है? तो राइट आंसर है गाइस डी, ए एंड सी। क्यों? क्योंकि 1 लीटर बराबर 1,000 मिलीलीटर या 1,000 ml बोलो या 1 लीटर बोलो, बात तो एक ही है। तो राइट आंसर ए एंड सी। ये क्वेश्चन कभी कभी इस टाइप से घुमा के पूछ लेते, तो आप प्लीज़ किसी भी एग्जाम को सॉल्व करने से पहले MCQ को पढ़ लिया करो, लिखा क्या है। 1,000 ml और 1 लीटर में कोई डिफरेंट नहीं, तो ए और सी इज अ राइट आंसर। तो गाइज ये हार्ट से रिलेटेड वीडियो थी, बहुत सारी वीडियो आप लोग के लिए MCQ की लाता रहूँगा। इस वीडियो को सपोर्ट करो और गाइज इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और व्यू आप लोग देखोगे तो मैं और नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आप अपना मेडिकल लेक्चर।